दोस्तों, बीते दिन सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी S10 S10 Plus को जो है कि लॉन्च किया है। तो अभी ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा दिन हुआ तो नहीं है, तो सैमसंग की तरफ से एक नया लीक्स निकल गया है जिसमें सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी S11 का जिक्र किया हुआ है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन निकल के आई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यदि आप लोग सैमसंग लवर हो और सैमसंग गैलेक्सी S11 का वेट कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक तो ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलेगा, पूरी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्चिंग डेट भी। तो इसकी प्राइस जो है ना बहुत ही बढ़िया, यानी माइंड ब्लोइंग प्राइस के साथ लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए दोस्तों। तो आज वैसे बहुत ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है सैमसंग गैलेक्सी S10 को लॉन्च हुए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी S11 की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स यानी एंड्रॉयड क्यू आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। ये इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले। तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें आपको बेजललेस डिस्प्ले जिसमें आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का भी स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है जिससे ये स्मार्टफोन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसके अलावा पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5 to 6 का PPI पिक्सल पर इंच देखने को मिल जाता है। वहीं हर एक स्मार्टफोन का जो सबसे बढ़िया चीज़ होता है वो होता है परफॉर्मेंस की, ये स्मार्टफोन कैसे परफॉर्मेंस करने वाला है। तो इसमें परफॉर्मेंस की बात करें यानी चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको सैमसंग का चिपसेट सैमसंग एक्सीनोस का 9 Octa 9820 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंप्रेसिव प्रोसेसर है दोस्तों। सैमसंग अपना प्रोसेसर खुद बनाने लगा है, अपने स्मार्टफोन में लगाने लगा है। तो ये सैमसंग का ही प्रोसेसर मिल रहा है, देखते हैं कितना पावरफुल होता है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको ऑक्टा कोर का 2.73 GHz डुअल कोर एंड M4 का मॉन्गूस प्लस 2.31 GHz एंड डुअल कोर। इसके अलावा कॉर्टेक्स A75 प्लस 1.95 GHz एंड क्वाड कोर और कॉर्टेक्स का A55 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, यानी ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको माली का G76 MP12 वाला ग्राफिक्स देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा 8 GB की रैम देखने को मिलेगा और 256 GB स्टोरेज के साथ आएगा जिसको आप 1 TB तक एक्सटेंड कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंप्रेसिव लगा कि 1 TB तक आप इसको एक्सटेंड कर पाओगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस। तो इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों जो कि 108 MP का प्राइमरी कैमरा यानी 108 MP का प्राइमरी कैमरा, 13 MP का सेकेंडरी कैमरा और 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 8 MP के लिए 5 गुना ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा देखने को मिलेगा। तो ये अब इसकी कैमरा फीचर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा इसमें आपको LED फ्लैश देखने को मिलेगा, ISO कंट्रोलर HDR को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कैमरा फीचर्स की बात करें इसमें आपको डिजिटल जूम, 5 गुना ऑप्टिकल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डेडिकेशन एंड टच टू फोकस का ऑप्शन मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि पंच होल डिस्प्ले में रहेगा, 10 MP प्लस 8 MP का डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें थोड़ा वीकनेस है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 3700 mAh की नॉन रिमूवेबल वाली बैटरी मिलता है जिसमें आपको क्विक चार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसके अलावा बॉक्स में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। जो लीक्स निकल के कि ये स्मार्टफोन 5G नेटवर्क के साथ आएगा तो 50-50 चांस है कि ये 5G नेटवर्क के साथ आए। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको अंडर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा अदर सेंसर की बात करें तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड कंपास जैसे अदर सेंसर देखने को मिलेगा। तो ये थी ओवरऑल इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ये स्मार्टफोन 70,000 से 80,000 के बीच हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अगर इसी प्राइस के साथ लॉन्च हुआ तो आप लोग इसको परचेस करना चाहोगे या नहीं प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए। और इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये फरवरी के अंत और मार्च के शुरुआती महीनों में लॉन्च होगा यानी 2020 में लॉन्च होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिल सके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।